छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ जिले में एक रिटायर्ड चपरासी ने अपनी जमा पूंजी रेड क्रॉस को दान दे दी। चपरासी के इस कदम की न सिर्फ हर कोई सराहना कर रहा है बल्कि लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। हर कोई रिटायर्ड चपरासी हीरालाल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि हीरालाल ने अपनी 6 लाख की जमा पूंजी रेड क्रॉस सोसाइटी को दान दे दी है। सही सुन रहे हैं आप, 6 लाख रुपए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में पूर्व नगर पालिका चपरासी हीरालाल ने अपने जीवन की सारी पूंजी रेड क्रॉस सोसाइटी को दान कर एक मिसाल कायम की है। अपनी मेहनत की कमाई को किसी नेक काम में खर्च हो, इस प्रकार की सोच रखकर 73 वर्षीय हीरालाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क किया। रेड क्रॉस के सदस्यों ने इनके नेक काम को देखते हुए रेड क्रॉस के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर को जानकारी दी, जिसके बाद खुद कलेक्टर उनके पास पहुंचे और उनसे ये राशि प्राप्त की। साथ ही रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य बनाकर सदस्यता पत्र सौंपा। कोई इच्छा था दान देने का? कोई इच्छा था आपका जी? आपको दान देने का कोई इच्छा था? था हाँ। क्या 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 इच्छा लगा कि दान दें? है? क्या इच्छा लगा कि दान दें? हाँ। आप अपनी जमा पूंजी पूरा दे दिए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है साहब। लोगों को बोलना चाहेंगे देने के लिए जी? क्या हाँ देना चाहिए? हाँ। हीरालाल मानिकपुरी जी के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए 5,75,000 और स्थायी सदस्यता के लिए 25,000 रुपया दी गई है। ये मनेंद्रगढ़ जैसे छोटी शहर के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को शायद इतनी बड़ी राशि पूरे राज्य भर में पहली बार किसी दानदाता द्वारा दिया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे हाल में ही नया जिला गठन होने के बाद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की गठित हुई है, तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि आम लोगों को जोड़ें और उसमें जो भी स्वेच्छा से रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए जो भी दान देना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा सब लोग दे सकता है। तो हीरालाल जी द्वारा रामानुज अग्रवाल जी के जो प्रयास से हमको इतनी बड़ी राशि दी गई है, ये हम तो बहुत गदगद हैं। और ये हमारा जिला नवगठित जिला के रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए एक बड़ा बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा। इसको देख के लोग बाकी लोग भी आगे आएंगे और अधिक से अधिक रेड क्रॉस सोसाइटी में राशि जमा होगी। इस रेड क्रॉस सोसाइटी में जो भी राशि जमा होती है आवश्यकता अनुसार, जो गरीब लोग रह सकते हैं, निसहाय लोग रहते हैं जिनके पास इलाज के लिए, इलाज में आने जाने के लिए, इसके अतिरिक्त कोई एकदम गरीब बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, उसमें भी इस राशि का उपयोग की जा सकती। तो हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, हम रेड क्रॉस सोसाइटी में राशि जमा कराने के लिए प्रयास करेंगे। मैं हीरालाल जी और रामानुज अग्रवाल जी को रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। हीरालाल ने जो किया वो किसी के लिए भी आम बात नहीं है। एक रिटायर्ड चपरासी की इस बड़ी सोच और इस नेक काम की हर ओर चर्चा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महेंद्रगढ़ से सुरजीत सिंह रैना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।